एक व्यक्ति बिना पानी पिए या बगैर खाना खाए कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना सांस लिए कुछ मिनट भी नहीं। हमारा दिल एक दिन में 1,00,000 से भी ज्यादा बार धड़कता है और एक साधारण व्यक्ति के फेफड़े एक दिन में 20,000 से 30,000 बार सांस लेते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारा दिल और फेफड़े हमारे शरीर में बिना रुके लगातार काम करने वाले सबसे जरूरी ऑर्गन है। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान एक ऐसी चीज है जो कि हमारे फेफड़े और दिल दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक है और इसका हमारी त्वचा, बाल और दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे देश में स्मोकर्स के मुकाबले एक्स स्मोकर्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि जितने लोग आज के समय में सिगरेट पी रहे हैं उससे कई ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि पहले पीकर पूरी तरह छोड़ चुके हैं। इससे यह साबित होता है कि स्मोकिंग का एडिक्शन चाहे जितना भी हो और चाहे जितने समय से आप धूम्रपान करते आ रहे हो, इसे छोड़ना पूरी तरह संभव है। तंबाकू और सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है और इस निकोटीन की खास बात यह है कि हमारा दिमाग और शरीर धीरे धीरे इसका टॉलरेंस बढ़ाता जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति तंबाकू खाना या सिगरेट पीना शुरू करता है तो दिन प्रतिदिन हमारे दिमाग और शरीर की इसे झेलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। दिमाग अपने आप को इसके इतने अनुकूल कर लेता है कि पहले जो एक सिगरेट से हमें संतुष्टि मिल जाया करती थी वह धीरे धीरे 2, 3, 4 और 5 में बदल जाती है। इसके बाद निकोटीन हमारे शरीर के खून और दिमाग में अपनी जड़ें पूरी तरह जमा लेता है और हमारी आदत हमारी जरूरत में बदल जाती है। शरीर में निकोटीन का स्तर थोड़ा कम होते ही हमारा दिमाग हमें सिगरेट पीने का सिग्नल देने लगता है और धीरे धीरे हम इतनी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं जितना कि हमने पहले कभी नहीं सोचा था। रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट जलाने पर इसमें से लगभग 4,000 अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें कि 400 बहुत ज्यादा जहरीले और लगभग 43 केमिकल कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। यह सभी केमिकल्स हमारे खून को बहुत ज्यादा दूषित करते हैं और यह दूषित खून शरीर के सभी दूसरे अंगों को भी प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे हमारी स्किन खराब होने लगती है, ज्यादा टेंशन लेने के साथ साथ चिड़चिड़ापन भी बढ़ता जाता है। लंबे समय तक स्मोकिंग करते रहने से मर्दों की सेक्सुअल पावर और महिलाओं की फर्टिलिटी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और भूख कम लगने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। कहा जाता है कि हेल्दी लंग्स का कलर पिंक होता है और धूम्रपान करने वाले लोगों के लंग्स का कलर काला होता है। काले फेफड़े हमारे शरीर के पूरे खून को भी धीरे धीरे काला बनाते जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि फेफड़े यानी कि लंग्स को डिटॉक्स करके तंबाकू और सिगरेट के सेवन से हुए बुरे प्रभावों को शरीर से पूरी तरह बाहर निकाला जाए और ऐसा करने के लिए घरेलू उपाय यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट से बेहतर और कुछ नहीं। कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें होती है जिनका हमारे फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर होता है और इनके नियमित इस्तेमाल से लंग्स के साथ साथ खून को भी पूरी तरह प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नुस्खे से। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी अदरक का रस, दालचीनी, नींबू का रस, शहद और लाल मिर्च पाउडर की। इसमें लाल मिर्च पाउडर के लिए हमें घर में इस्तेमाल होने वाली चिली पाउडर का नहीं बल्कि कायन पेपर का इस्तेमाल करना है। कायन पेपर साधारण लाल मिर्च से काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। यह मोटी और लंबे आकार की लाल मिर्च से बनाई जाती है। इसका सेवन करना पेट, किडनी, लिवर और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और साथ ही कायन पेपर के साथ शहद का मिश्रण बॉडी को तेजी से डिटॉक्स करता है। यह आपको किसी भी सुपर मार्केट या फिर ऑनलाइन कम दामों में ही आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को पढ़े। इन सारी चीजों को मिलाकर हमें एक ड्रिंक तैयार करनी है। इसके लिए सबसे पहले लगभग 1.5 कप पानी को अच्छी तरह बॉईल करके एक ग्लास में निकाल लें और उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच कायन पेपर पाउडर, 1/2 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद डालकर सारी चीजों को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह से ये ड्रिंक तैयार हो जाएगी। इस ड्रिंक का हमें रोजाना रात को सोने से पहले चाय की तरह सिप सिप करके सेवन करना है। इसमें मौजूद दालचीनी और नींबू का रस फेफड़ों में जमे टार और कालेपन को निकालकर शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और साथ ही शहद धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से हुए नुकसान और इन्फेक्शन को तेजी से रिपेयर करता है। सारी चीजों से मिलकर बनी यह ड्रिंक लंग्स को डिटॉक्स करने के साथ साथ खून को भी साफ करती है। लगातार इसके इस्तेमाल से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है और सांस लेने में पहले से ज्यादा फर्क नजर आने लगता है। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको अपने शरीर की एनर्जी में भी एक कमाल का फर्क नजर आएगा। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों को अपनी डाइट में ऐसी चीजें ज्यादा खानी चाहिए जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो। व्हीट ग्रास जूस यानी कि गेहूं के ज्वारे के रस में क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रोजाना इसका सेवन करने से फेफड़ों में जमी गंदगी खत्म होने लगती है और यह खून को साफ करने के साथ साथ उसे बढ़ाता भी है।
अगर आप एक लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहे हैं तो वीट ग्रास जूस के मात्र एक हफ्ते के इस्तेमाल से ही आपको अपनी सेहत और त्वचा में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शरीर से तंबाकू के बुरे असर को निकालने के लिए च्यवनप्राश भी एक फायदेमंद औषधि की तरह काम करता है। इसके अंदर कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। रोजाना दिन में या रात के समय च्यवनप्राश खाने से यह फेफड़ों के साथ साथ शरीर के सभी अंगों को डिटॉक्स करके उन्हें शक्ति प्रदान करता है। जो लोग सिगरेट की वजह से मेहनत वाला काम करने में जल्दी हाँफने लगते हैं या जिन लोगों का सिगरेट नहीं पीने पर तलब की वजह से सरदर्द होने लगता है, उन्हें रोजाना एक से दो चम्मच च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। धूम्रपान का असर कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जो लोग एक अरसे से सिगरेट पीते रहते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी सांस लेने की क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले कम हो चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि गहरी सांस लेने की आदत डाली जाए। जिस तरह से जिम में हाथों की एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स बनती है, उसी तरह गहरी सांस लेना हमारे फेफड़ों के लिए एक एक्सरसाइज की तरह काम करता है। इससे फेफड़ों में जमी गंदगी भी बाहर निकलती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। सुबह सुबह वॉक या रनिंग करना फेफड़ों के लिए सबसे फायदेमंद होता है। यह किसी भी दूसरे इलाज या घरेलू नुस्खों से 10 गुना ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि जब हमारे फेफड़े तेजी से पंप होते हैं तो इसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और इस वजह से कमजोर हो चुके फेफड़े धीरे धीरे पहले से भी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसके साथ ही दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और तंबाकू खाना या सिगरेट पीना पहले के मुकाबले आधा कर दें या पूरी तरह ही बंद कर दें। लंग्स डिटॉक्स करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सफाई के साथ साथ उन्हें गंदा होने से भी रोका जाए, नहीं तो एक तरफ आप सफाई करते जाएंगे और दूसरी तरफ सिगरेट पीने की वजह से वह दोबारा गंदे होते जाएंगे। अगर आपको सिगरेट, तंबाकू या गुटखा आदि छोड़ने में परेशानी होती है या बहुत प्रयास करने के बाद भी आप इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो इस विषय पर आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे मात्र 7 दिनों में स्मोकिंग हमेशा के लिए कैसे छोड़ी जाए। यह एक ऐसा तरीका है जिसे करने के बाद धूम्रपान करने की आदत भी छूट जाती है और दोबारा पीने का मन भी नहीं करता। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए होममेड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।